हेलो डियर, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं AJ FIFA। और मुझे पता है बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे कंटिन्यू रेगुलर, लेकिन अब रेगुलर आने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा मैंने जब है ना सिनेरियो थोड़ा चेंज कर दिया भाई, सिनेरियो इसलिए चेंज कर दिया कि अब जो भी वीडियो रहेंगे मैं उसमें आपको फुल मैच दिखाऊंगा, मतलब एडिट नहीं करूंगा। तो आई होप आप भी वीडियो एंजॉय करेंगे, और एंजॉय करते हैं तो थोड़ा लाइक मार देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे विजिट कर रहे हो। तो लास्ट टाइम अगर एपिसोड अभी तक आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पे जाके भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं हमारे वीडियोस जो हैं। उसके में आपने जो लास्ट वीडियो अगर मिस कर दिया होगा तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इंटरेस्टिंग हुई थी, और बहुत सारी चीज़ें हमने इंटरेस्टिंग करने की ट्राई भी करी थी, कुछ गलतियाँ भी हमने कर दी थी। लेकिन अब क्वार्टर फाइनल जो था हमारा वो होने वाला है, मतलब इसके पहले वाला जो क्वार्टर फाइनल का जो एक गेम था, यानी होम था या अवे था, मैंने देखा नहीं, शायद एक मिनट, होम गेम था वो, हमने जीत गए थे। अभी अवे मैच आएगा जहाँ तक, तो वो तो हम जीत गए थे, लेकिन अब सेकंड मैच यहाँ पे होने वाला है। तो ये एक क्वालिफायर में हमको ट्राई करना है कि हम जीते यहाँ पे, गड़बड़ ना हो, तो वो भी हम देखने वाले हैं। सो हॉलैंड को खिलाने वाले हम वापस, मेसी को साथ में सपोर्टिंग रखेंगे, नेमार को दिए चांस और एमपे को साथ में खिलाया, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस मैं और कर सकता हूँ। तो मैं फिलहाल ऐसा सोच रहा हूँ कि बेसिक सेम स्क्वाड के साथ ही जो है इन करूँगा, इसमें कुछ खास चेंजेस करने की मेरी इच्छा हो भी नहीं रही, और मुझे लगता है करने भी नहीं चाहिए। फिलहाल जो सेट चल रहा है हमारा वही ठीक है। तो लास्ट टाइम जो गेम हुई थी उसमें शायद हम एक गोल हमने स्कोर किया था, जिसकी बदौलत हम जो है जीत गए थे मैच और आगे के बढ़े थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे एक गोल की लीड तो हमारे पास है, लेकिन अगर हमने गोल खा लिए भाई तो आपको पता है कि ये USL से तो हम बाहर होने वाले हैं। तो फिलहाल तो कुछ भी एडिट वेडिट नहीं होने वाला है, फुल ऑन मैच में आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए कुछ एक जो सीन है वो मैं स्किप कर देता हूँ यहाँ से, ताकि मैच जल्दी शुरू हो जाए। सो ये भी गो, मैच की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, और अब हम ट्राई करने वाले हैं कि चांस मिले, बॉल बने और कुछ काम बने हमारा। ओके, गुड पासिस, ओके बहुत ही बढ़िया पास है, विंग की तरफ से बाहर डालने की बॉल ट्राई कर ली थी इन्होंने। ओके, गुड बॉल, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सेंटर में वापस बॉल ला ली है, और जगह इनके पास कुछ अच्छी बन रही है, पोजीशन बहुत बढ़िया है। तो बॉल पोजीशन हमको मिला नहीं है अच्छे से, क्या मिला ही नहीं अभी तक। अब जाके बॉल मिली हमको, और पासिस करने पड़ेंगे हमको थोड़े से, और बहुत ही बढ़िया चांस बना है अभी मेरे पास बॉल है, क्या ये रन अच्छा हो जाए तो काम बन जाए। लेकिन मेसी भैया पहुंचे नहीं, मैं सोच रहा था कि पहुंच जाए। ओ कम ऑन यार, मैं ट्राई करता कि मेसी वहां पे पहुंच जाए, और मेसी अगर पहुंच जाता तो एक चांस बन सकता, अच्छा काउंटर अटैक हमने यहाँ पे किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल स्कोर नहीं कर पाए। ओके, ओ कम ऑन। तो फुल ऑन मैच दिखाने का फायदा ये कि जो मैच में एक्सेक्ट मूवमेंट रहती है ना वो आप देख सकते हो, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, लेकिन वो अभी यहाँ मिस नहीं होने वाली है। जो हम खराब खेल रहे हैं वो भी मिस नहीं होने वाला है, और जो हम अच्छा खेल रहे हैं वो भी मिस नहीं होने वाला है। ओके, कम ऑन यार, अच्छा हेडर था वहाँ पे। सेर्जियो रामोस वैसे रहता है हर जगह, जब भी मुझे लगता है कि मूवमेंट में उसकी ज़रूरत है हमको यहाँ पे, तो भाई रहता है बंदा, ऐसी बात नहीं है। ओके, बहुत ही बढ़िया बॉल, बॉल थोड़ी सी कंट्रोल में भी लानी पड़ेगी हमको। हाँ, नहीं रही हमारे पास। खराब पास, मुझे लगा बॉल चली जाएगी, लेकिन गई नहीं यार, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। ओके, वापस कंट्रोल में, बॉल पोजीशन जितना हमारे पास रहेगा उतना ही अच्छा है हमारे लिए, कम रहेगा तो फिर दिक्कत आने वाली है। नहीं, ओके, नेमार का पास अच्छा था वहाँ पे, लेकिन ना मुझे लग रहा पोजीशन हमारी थोड़ी सी खराब थी, अगर हो जाती ना जगह पे टाइम पे बॉल हो मिल जाती हमको तो कुछ चांस बन सकता था। वैसे तो चांस क्रिएट किए थे हमने यहाँ पे कुछ एक, लेकिन उतने अच्छे नहीं हुए। नहीं भाई, पास कर दे यार। ओहो, चांस था यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है चांस खराब ही कर दिया मैंने लिटरली। जा भाई, कहाँ जाता है यहाँ से। ओके, थोड़े चांस बन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ एक चांस हम खराब भी कर दे रहे हैं खुद से ही। बहुत बढ़िया, निकल भाई निकल, अगर बन गई ना ये बॉल। मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट खेल रहा हूँ क्या, अगर बॉल की मूवमेंट के हिसाब से देखा जाए तो शायद मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। भाई मेरे, कहाँ चांस था। ओके, गुड पास, In position.
अरे वही ना कुछ बात, कभी कभी भाई मौके पे होना ही बहुत जरूरी है। मौके पे अगर तुम नहीं रहे तो गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन इस बार फाइनली मौके पे थे हम वहाँ पे, और अच्छा चांस भी क्रिएट हुआ था। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद पासेस अगर थोड़े खराब चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लक का भी भाई बेनिफिट मिल सकता है। देखो शॉट मैंने थोड़ा सा लगाया था कि थोड़ा सा, अगर मैं सोच रहा था कि बॉडी फेक के हिसाब से बॉल चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैंने थोड़ा अनवांटेड लगाया था। लेकिन गोल कीपर को टोटली फेक जो है लग चुका था यहाँ पे, और गोल कीपर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये शॉट। और दो गोल की लीड हमारे पास हो चुकी है, तो शायद हम यहाँ से क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी पूरा मैच बचा है भाई। तो UCL के इस क्वार्टर फाइनल में हमको अगर आगे बढ़ना है तो एक गोल और चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतने गोल से चांस नहीं बना सकते हम ज़्यादा, क्योंकि अगर गोल पड़ने लगे ना हम पे फिर खाते भी बहुत हैं हम, फिर पता नहीं क्या कर देते हैं, इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ गोल खाएँ हम यहाँ से। ओके 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 ओके, विंग से अंदर आने की ट्राई, बढ़िया बॉल बनाई है मेरे भाई। ओके ओके, गड़बड़ 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 यार, मतलब क्या है ये। यहाँ पे मेरा डिफेंस भी चला गया, और ये वाला यार इसने पैर भी नहीं डाला, और बताओ सर्जी रोमोस भैया कहाँ पहुँचे इधर। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये होने ही वाला है, और वैसे ही गड़बड़, क्योंकि जब भी हम गोल खाते हैं ना, गोल खाते नहीं, जब भी गोल करते हैं उसके बाद खाने के लिए रेडी रहते हैं बिल्कुल, मतलब ऐसा हो रहा है हमारे पास दो तीन मैच से, तो यही चल रहा है हमारे साथ। ओके, और गलत पास, अब शुरू हो गई हमारी कहानी, और अब जो है ना मैच को थोड़ा सा कंट्रोल में अगर हमने नहीं लाया तो फिर गड़बड़ होने वाली है। हालैंड भैया आप चांस है आपके पास, चलो भाई साहब ऐसे ही थोड़ी बैठे भाई हम भी। ये हुई ना कुछ बात भाई, एक चांस है, काउंटर अटैक इतने जबरदस्त हो रहे, मेरे को लग रहा था कि मेरे ऊपर ही और पड़ जाए, लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं अब मैं थ्रू बॉल करके ही रहूंगा और यहाँ से बॉल खराब नहीं करूंगा, तो फाइनली इसका फायदा हुआ और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दी यहाँ पे। और हालैंड भैया का शॉट जबरदस्त था, एक बार अगर थोड़ा इन खेलता ना मुझे लगता शायद खराब हो जाता था, इसलिए इन नहीं खेलना चाहता था। तो फाइनली मेसी और हॉलैंड दोनों के गोल स्कोर हो चुके हैं, तो जितने भी लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई साहब यहाँ पे गोल नहीं हो रहे यार, गलत कर रहे हैं आप, तो उस चीज़ को जो मैंने ब्रेकआउट कर दिया है। फाइनली वापस दो गोल की लीड है, लेकिन इनके पास भी एक गोल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप में थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। अब मुझे थोड़ा गेम ना कूल करना पड़ेगा भाई, कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव खेल रहा हूँ मैं भी, और ये तो फिर इनका तो खेलना बनता भी, इनके ऊपर गोल हुए पड़े, पर हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इतना फास्ट चल रहे हैं, वही मुझे ये वापस भाई ये बंदा ना इस बार गिरा दूंगा मैं इसको। बहुत बढ़िया, डी बॉक्स के ऊपर ही रखो इनको। चल 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 चीते मेरे, भाग जाओ वहां से। बहुत अच्छे, गुड डिफेंस, बॉल क्लियर। ऑफसाइड तो नहीं था, फाउल था, दिया नहीं, पर एडवांटेज दे दिया। नहीं बनेगी यहाँ से बॉल, नहीं बनेगी, ये बन सकता है एक चांस। अरे ओ भाई साहब, ये बोला मैंने चांस बन सकता है और यहाँ से बना है। मेसी भैया ऑल टाइम ग्रेट, ऐसे ही नहीं है, और मेरे को लगा था ऐसे स्विंग का एक चांस बनेगा, और बहुत ही बढ़िया स्विंग का चांस बना, आउटस्टैंडिंग गोल। और इस पूरे वीडियो में भाई साहब ये गोल मुझे लगता है सबसे बेस्ट होने वाला है, तो आपको क्या लगता है मुझे नीचे जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। वो लॉन्ग स्ट्रेच था गोल कीपर को, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, और जो मेसी भैया की कैलकुलेशन थी ना बहुत जबरदस्त थी। ये देखो जबरदस्त स्विंग, वो क्या ये बेस्ट गोल था भाई, बताने को जरूर, जबरदस्त। इस क्वालिफायर को तो क्वालिफाई करके ही रहेंगे हम कुछ ना कुछ कर करके, पहले हाफ में भाई 5-4 गोल हो गए हैं बताओ। लेकिन मेरे को फिर भी ये टीम बहुत ज़्यादा टफ लगती है, बिकॉज क्यों लगती है कि इस टीम के पास ना बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है गोल रिटर्न करने की, तो मैं नहीं चाहता कि गोल रिटर्न करें किसी भी कंडीशन में, तो वो गोल रिटर्न नहीं होने चाहिए, इसके लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और फटाफट से जो है ना मैच में वापस आएंगे सेकेंड हाफ की तरफ, और ट्राई करेंगे कि एक आध गोल और जड़ दें, या फिर गेम बॉल जो है कंट्रोल अपने पास रखें, पोजीशन अपने पास रखें, जितनी ज़्यादा बॉल पोजीशन हमारे पास रहेगी उतना ज़्यादा फायदा है हमको। ओके, बॉल मोमेंट बनाने के लिए हमको देखने पड़ेंगे थोड़े अच्छे पासेस। ओके, गुड बॉल। अरे नहीं यार, कैसे मिस हो गया ये, अच्छा चांस था यार, बन सकता था गोल।
ओके नेमार का अच्छा पास था वहां पे, मेरे को लगा शायद 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 कुछ मोमेंट हो जाए, सर्जियो रामोस है हमारे पास वहां खड़े हुए, लेकिन 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 भाई यार ये वाली जो मोमेंट रहती ना, बॉल बिल्कुल पास से घूम जाती है और बॉल लेते नहीं है, कुछ करते नहीं, तो मेरे को समझ नहीं आता क्यों ऐसा करते हैं भाई ये लोग। नहीं यार बाजू में पास दिया था मैंने, आगे नहीं दिया था, गलत बात है। फिर से अग्रेसिव मोमेंट थोड़ा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि अग्रेसिव रहे, हमको अगर बॉल कंट्रोल में रखनी है थोड़ा सा कूल होकर खेलना पड़ेगा, बॉल पोजीशन अपने पास रख के थोड़े से पासेस जो है ना आपस में करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे अभी ये कर रहे हैं ना, ये मूवमेंट अब बना रहे हैं एक, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मूवमेंट अब बने यहाँ से। ओके गुड बॉल, वेरी गुड बॉल, थोड़ा सा कूल करने की ट्राई तो कर रहे हैं पर कूल हो नहीं रहा है कुछ, हम भी अग्रेसिव चलते जा रहे हैं उनके साथ। अरे नहीं यार भाई, इतना सही वहां पे हेडर का चांस था, क्यों कम ऑन कम ऑन, बहुत बढ़िया बॉल रामोस, एबल टू गेट अ बॉडी इन द वे, गुड प्रेशर हाई अप, मेसी भी आके वापस बॉल है, बहुत बढ़िया गुड बॉल, कम ऑन, बॉल पोजीशन तो है हमारे पास लेकिन फाइनल मोमेंट नहीं आ रहा हमारे पास अच्छा वाला। नहीं यार ये बॉल खराब की यहाँ इस पास के साथ। ओके ओके इट्स ऑल अबाउट टाइम बेबी, टाइम कितना टाइम स्पेंड कर पाते हो आप यहाँ पे वो भी देखना पड़े। ओ कम ऑन गुड बॉल, ओके वेरी गुड, गुड मोमेंट, ले भाई तू रन ना ही, गलत बॉल गलत पास, मेरा ध्यान ही नहीं था वहां पे। चल चल कोई बात नहीं, जाने दे जाने दे, चलेगा हमको यहाँ से। ओके ओके वेरी गुड, जितना ज्यादा हो सके होल्ड करेंगे हम, सूसो को बाहर भेज दिया है सूसो को। ओ नो 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 नो, मैसी भी आगे, चांस कम ही लग रहा था मेरे को भागने के, यहाँ वैसे ही हुआ क्योंकि बॉल उस मोमेंट में थी नहीं कि भाई मैसी भी रन कर लें। ना हाँ हाँ हाँ, कुछ एक खराब मोमेंट के साथ हमने काम किया भाई। ओके वेरी गुड, ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं था ये, बिल्कुल पोजीशन पे थी बॉल। ओहो भाई टाओं के नीचे से बॉल खाने वाले थे क्या, बहुत हुआ यार, हम क्यों भगा रहे हैं आगे, हमको गेम थोड़ा सा स्लो करना है, इतना क्यों भाग रहे, उनको जल्दी है हमको नहीं है। ओके भागने दो उनको, ओके नहीं देना मेरे को बॉल, नहीं देना इनको, भागो तुम। ओके ले ले भाई तू, नेमार भैया से बॉल भी, अरे नहीं यार अच्छा खासा चल रहा था, थोड़ा सा बॉल पोजीशन में गड़बड़ कर दी हमने, वापस बॉल ले लिए, फिलहाल टैकल करने के चक्कर में तो हूं नहीं मैं। ये ले फिर एक, अच्छी मोमेंट थी लगी वहां पे,
मुझे फायदा नहीं भाई, बॉल विश्व हमने अपने पास रखी थी और फाइनली इस मैच को एंड किया है। तो इस क्वार्टर फाइनल को तो हमने थ्रू कर लिया, तो सेमीफाइनल में हम लोग क्वालिफाई हो चुके हैं। तो फाइनली क्वार्टर फाइनल को एंड किया है और जो होम अवे गेम थी तो फर्स्ट गेम जो थी वो तो हमने काफ़ी टफ खेली, लेकिन जो यहाँ पे सेकेंड हाफ में, और सेकेंड हाफ में तो जो कुछ खास दिखा नहीं मेरे को, लेकिन जो फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस थी दैट वॉज आउटस्टैंडिंग, और जिसके बदौलत जो पी एस जी ने आगे मूवमेंट बनाई थी। और मेस्सी भैया के जो दो गोल है ना, पहले तो मैं बोलूँगा कि गिफ्ट था, नो डाउट पहला गोल तो गिफ्ट था, मतलब मिल गया था, लेकिन जो सेकंड गोल था ना दैट वाज रियली ऑसम। और बिकॉज वो सेकंड गोल जो किया था ना, मानने लगता, तुम मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के कि वो गोल कैसा लगा आपको, अगर आपको लगता है कि भाई सही में अच्छा था गोल तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन ज़रूर लिखना। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अनएडिट वाले अनकट वाले मैं एपिसोड जो आपको कंटिन्यू लाता रहूं और इनको थोड़ा और एक्सटेंड करूं, मैं अभी तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ एक ही मैच खेल रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि दो भी करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन लिख के ज़रूर बताना, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना। और मुझे पता है मैंने काफ़ी दिन के बाद वीडियो अपलोड किया, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस गाइस, सी यू सून, लव यू ऑल, बाय।